आपस में ये हमारे बंदे मारी जा रहे हैं यार, और ये रोड को देख लो, ओ माय गॉड। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े पत्थर हमारे शहर के ऊपर। अरे पैसे, पहले पैसे उठा लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। एनीवेज, इतने बड़े बड़े पत्थर हमारे शहर के ऊपर कैसे गिर सकते हैं यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कौन सा पंगा मैंने ले लिया। हराम खोर ने बताया था कि स्लेंडर मैन को मार दोगे गुफा के अंदर, तो आपकी और ओ माय गॉड, अबे इतना बड़ा पत्थर, डैम, ओ माय गॉड। एनीवेज भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल चपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और ये है स्लेंडर मैन की सीरीज। चलिए बाइक निकालते हैं और इस प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं, इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, अपनी फास्टेस्ट बाइक मंगाता हूँ जो कि है ट्रॉन बाइक। भाई ट्रॉन बाइक मेरे लिए बहुत फास्ट है। तो एनीवे, तो शहर के बीचों बीच चलते हैं और देखते हैं कि शहर के बीच में क्या हो रहा है। क्या ये आफत यहीं पे आई है, क्या ये आफत शहर में आई है, क्या पता शहर में कोई और आफत आई हो, यहाँ पे कोई और आफत आई हो। आफत ही आफत है चारे पास, यार ये हो क्या रहा है मेरे शहर को। ओ अबे अबे क्या कर रहे हो, छोटे से बंदे को कुचल दोगे, ओ माय गॉड। अरे भाई ये तो अच्छा हुआ कि मैंने गॉड मोड ऑन किया इस मॉड मेन्यू की मदद से, नहीं तो ये बड़े बड़े पत्थर मुझे कुछ। अबे ये क्या है, एनीवेज तो ये बड़े बड़े पत्थर मुझे कुचल देते। ये हो क्या रहा है मेरे सामने गाड़ियों को, ओ माय गॉड, ये कौन सी शैतानी पावर। अरे बाप रे, सारे मुझसे डर क्यों रहे हैं, व्हाट, ये सारे मुझसे डर क्यों रहे हैं यार अचानक से। अरे अरे सारे आपस में मारे जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ओ माय गॉड, ये कौन सी शैतानी पावर आ चुकी है यार, ये मेरी सिटी को क्या हो गया यार। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं और ये अजीब तरीके की शैतानी पावर जो है मेरे सामने आ चुकी है। मतलब कि जो भी मेरे सामने आ रहा है वो मतलब कि उड़ रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मैं नहीं चाहता यार, व्हाट द हेल। अरे बाप रे बाप, सारे पागलों की, अरे मुझे पता नहीं हंसी आ रही है कि मुझे रोना आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब कि पूरा एकदम रायट्स हो चुका है सिटी के अंदर, आपस में ही मारे जा रहे हैं हमारे अपने लोग, क्या कर रहे हो यार। भाई ये मुझे लग रहा है कि हमारे साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है यार, हर बार GTA में हमारे साथ धोखा ही हो रहा है यार, क्योंकि हमें प्रॉब्लम बताई गई थी कि स्लेंडर मैन को मारना है, तो हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, स्लेंडर मैन को हमने ढंग से मारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कौन सी पावर हमारे सामने आ चुकी है, एकदम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। आपस में ये हमारे बंदे मारी जा रहे हैं यार, और ये रोड को देख लो, ओ माय गॉड। यार ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही भाइयों, इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से आ रहे हैं यार। स्लेंडर मैन ने ठीक ही कहा था कि ओ तेरी पागलपन की हद होती है, मैं काम करता हूं, मैं फटाफट फिर से कोई और व्हीकल मैं काम करता हूँ, मैं चॉपर स्पॉन करता हूँ और ऊपर से देखते हैं कि हमारी सिटी में क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सिलेंडर मैन ने बताया था कि अगर मैं ढंग से नहीं मारूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी, और ये हो रही है, ओ माय गॉड, लोग आपस में मार रहे हैं, कोई शैतानी आत्मा मतलब कि लोगों को आपस में मरवा रही है, और ये बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिर रहे हैं और लाइट अभी तक नहीं आई। ओ माय गॉड, कितना बड़ा पत्थर मेरी सिटी के ऊपर गिर रहा है यार, ये ऐसा मत करो यार, सिलेंडर मैन तो मर चुका है, अभी मैं क्या करूं। मैं थोड़ा बहुत बूस्ट लगा के ना शहर के बिल्कुल बीचों बीच जाता हूं और देखता हूं कि वहां पे क्या माजरा हो रहा है, रोड पे के ऊपर, रोड के ऊपर क्या चल रहा है। अरे मुझे समझ, अरे क्या कर रहे हो भाई, तो पूरा चॉपर मेरा तहस नहस कर दिया इस बड़े से विशाल से पत्थर ने। एनीवेज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं यार, ये जहां भी मैं देख रहा हूं तो लोग मुझसे डर के पागलों की तरह भाग रहे हैं, और They are going in unpredictable direction. देखो कहाँ पे कोई कहाँ, अरे बाप रे, गाड़ियाँ पागलों की तरह कभी यहाँ उड़ रही हैं, कभी वहाँ उड़ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे शहर के अंदर। वाओ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो, ओबरे, अरे बाप रे, कोई गाड़ी किसके अंदर बज रही है, कोई बंदा कौन सी गाड़ी के अंदर बज रहा है, दिस इज नॉट गुड यार ये। ओरे ओरे ओरे, मैं काम करता हूँ, मैं फिर से मैप में डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि जाना कहाँ पे है यार, मैं मैप कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं पैगो जादूगर को ढूंढ रहा हूँ कि पैगो जादूगर का घर कहाँ पे था, पैगो जादूगर का घर कहाँ पे था? ये रहा, इस इलाके में था पैगो जादूगर का घर। तो एक बार फिर से हम जाते हैं और पैगो जादूगर को मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि यार हमने जो काम तूने बताया था वो तो हमने कर दिया, तूने बताया था कि सिलेंडर मैन को मारना है, उसको तो मार दिया, लेकिन उसके बावजूद ये सिटी के अंदर ये फसाते हैं, ये
प्रॉब्लम कहाँ से पड़ रही है यार, वहां तक जाते जाते मेरे 20 प्लेन, अरे बाप रे। ओह नो यार, पागल हो चुकी है पूरी सिटी के बंदे यार, ये आपस में ही मरी जा रहे हैं। अरे मेरे जहाज की धुआं निकल गए। तो मैं ये कह रहा था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 20 प्लेन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यार पत्थर पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। अरे बाप रे, बिल्कुल मेरे सामने गिरा, बहुत ही बड़ा, मेरी तरफ ही आ रहा है, मैं काम। अरे बाप रे, इतना, ओए हो, ओ माय गॉड, ये मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे यूएफओ, एनीवेज, तो मैं फटाफट बूस्ट लगा के उसके पास पहुंचा हूं, पैगो जादूगर के पास। कहां पे है उसका घर यार? अरे कहीं वो मर मुराता नहीं गया? ये तो वहां देख के जाना पड़ेगा, इसी पहाड़ों के बीच में ही रहता है। और जरा पीछे देखिए हमारी सिटी को, अरे बाप रे, इतने मोटे मोटे पत्थर भी आसमान से गिर सकते हैं, मुझे तो इतना अंदाजा भी नहीं था। वाओ, ओहो ओहो, अरे मेरे जहाज के ऊपर मत गिरा देना यार। थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया करो। राइट, तो बिल्कुल ठीक, हमारे नीचे है पैगो जादूगर का घर, जहाँ पे हम दूसरी वीडियो में इससे मिले थे, सीरीज की दूसरी वीडियो में हमें इससे मिले थे। और इसने बताया था कि आपको स्लेंडरमैन को हरी गुफा में ले जाके खंजर से मारना है, तो वो काम करने के बावजूद भी हमें ये मतलब कि नतीजा देखना पड़ रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। राइट, मैं हल्के हल्के जहाज को नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जहाज ठुक जाए, लेकिन मैं अपना जहाज एक जगह पे रुकाऊंगा भी नहीं, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा रहता हूँ तो ये सारे पत्थर अचानक से मेरे ऊपर ही गिरने लग पड़ते हैं। अरे बाप रे, क्या लैंडिंग की है हमने, बार मर ले अब। तो ये रहा भाइयों पैगो जादूगर का घर। यार मेरे पंखों के साथ मैं चीर ना जाऊं। अरे अरे पैगो जादूगर के, ओ नो, ये भी मर चुका है। हेलो पैगो भाई, उठ जाइए। अरे यार ये पैगो भी मर चुका है। ओ माय गॉड, अभी मैं क्या करूंगा यार, इतने बड़े बड़े जादूगर कैसे मर सकते हैं? अबे मामा, तू जादूगर है, तू मर नहीं सकता। ओ तेरी, कितना बड़ा पत्थर है यार ये। ओके, मुझे नहीं लगता कि वो पैगो जादूगर की बॉडी थी, लेकिन वो हो भी सकती है। अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर मेरे पास ही गिरा। राइट, इस जहाज को यहाँ से निकालना। अरे परछाई देखी उस पत्थर की, कितनी मोटी। अरे कित, अब मेरा जहाज भी गया। ओ माय गॉड, मैं मेरे जहाज को फोड़ दिया पत्थर ने यार। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट कुछ ना कुछ स्पॉन करके मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ, क्योंकि ये पत्थर तो पागलों की तरह मेरे ऊपर ही गिर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मैं एक जगह पे रुक जाता हूँ तो पत्थर साले मेरे ऊपर ही आते हैं। राइट, मैं व्हीकल को एक, अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर की परछाई मेरे ऊपर आके गिरी। और इस चुंगल से, अरे और इस चुंगो से गॉड मोड के बगैर निकलना बहुत ही नामुमकिन है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने अपने लिए तो गॉड मोड अनेबल कर लिया है, और मैं अपनी व्हीकल्स के लिए भी, ओ तेरी, मैं अपनी व्हीकल्स के लिए भी गॉड मोड अनेबल करता हूँ, क्योंकि मैं जोन सी गाड़ी स्पॉन करूँगा तो ये पत्थर उस गाड़ी को फोड़ देंगे। राइट, तो चलिए ट्रॉन बाइक को स्पॉन करते हैं और चलते हैं पलीटो बे की ओर, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सिटी में तो जाना बिल्कुल नामुमकिन है, एकदम तहस नहस हो चुकी है। तो मैं फिर से एक काम करते हैं, सिटी के अंदर ही चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हमें सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अभी हम जाएंगे रोड के ऊपर से। अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सिटी तक पहुँचना तो बिल्कुल नामुमकिन काम हो चुका है हमारे लिए, इतने मोटे मोटे पत्थर और ये पागलों की तरह। और ये आसमान में आपने नोटिस किया कि छोटे छोटे मतलब कि विस्फोट से हो रहे हैं ये, और यार ये मुझसे डर क्यों रहे हैं यार? ये देखो गाड़ी को देख लो, ये पत्थर ही मुझसे नहीं डर रहे, और ये सिविलियंस, ये गाड़ियां डर रही हैं बस। अरे भाई मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मैं आपका अपना फ्रैंकलिन हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, आप मुझे जानते हो, सारे मुझे जानते हो और फिर भी डर रहे हो मुझसे। पता नहीं क्या, कौन से लेवल की बेवकूफ़ी होती है ना, एक होती है छोटे लेवल की बेवकूफ़ी और एक होती है हाई लेवल की बेवकूफ़ी। तो ये हाई लेवल की बेवकूफ़ी अचीव कर चुके हैं, सारे बंदे मुझसे डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट गेट इट। एक काम करते हैं, सिटी में जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, सिटी में जाना इज़ इम्पॉसिबल। एक काम करते हैं, मस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया, और वो ये है कि देखते हैं कि इस बर्बादी में हमारी ट्रेन बहन कहाँ पे पहुंची है, क्या हमारी ट्रेन पटरी से उतरती है, क्या पटरी पे, अरे तुम्हें मैं ही मिला हूँ यार, पत्थर मेरे ऊपर ही गिर रहे हैं, मैं ही मिला हूँ तुम्हें पूरे मैप के अंदर। मेरी बाइक भी जल गई, लो कर लो बात, अब इतनी तो भाई हो रही है कि मेरी बाइक, जो कि मैंने गॉड मोड बाइक के अंदर मैंने गॉड मोड अनेबल किया था, और वो गॉड मोड वाली बाइक कैसे चल सकती है यार, इतनी तो भाई हो रही है मेरी सिटी के अंदर। एनीवेज, तो हमने देखना ये है कि क्या ट्रेन,
क्या गाड़ियां गई। इसे कहते हैं दहशत फिर हमारी, बिच्छू गैंग की दहशत। और ये तो देख के भाग गया, कहता मम्मी भाई आ गए भाग लो। ओह माय गॉड, तो तेरी ट्रक को देख लो कैसे जा रहा, अभी तक उड़ रहा ट्रक। एनीवेज तो मैंने देखना ये था कि इतनी सारी जो गाड़ियां उड़ रही हैं, ओरे ओरे देख के भाई देख के। अभी मैं इसके चुंगों से कैसे बच के, तो जो फिरकी मार रहा है और बच गया। एनीवेज तो मैंने देखना ये है कि अबे साथ वाले रोड पे देख लो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ओ शिट। एनीवेज तो मैंने देखना ये था कि क्या इस तबाही में ट्रेन जो है पटरी के ऊपर चलेगी या पटरी के नीचे, तो ये तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, ट्रेन की पटरी पर हम आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रेन भी मुझे देखते ही पागलों की तरह अनप्रडिक्टेबल डायरेक्शन में उड़ना शुरू हो जाएगी, तो ये तो देखना पड़ता ही पड़ता है। ये तो डेफिनेटली हमें देखना ही देखना, यहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पर दो पटरी हैं, शायद किसी भी डायरेक्शन में ट्रेन आ सकती है। तो ये तो अरे बाप रे, क्या ये पत्थर ट्रेन के ऊपर गिरेंगे, और क्या अगर ये पत्थर ट्रेन के ऊपर गिरते हैं तो ट्रेन पटरी से उतरेगी या नहीं उतरेगी। वो देखो पूरे पत्थर ने ट्रेन पटरी ब्लॉक कर दी हमारी ट्रेन बहन की, राइट। तो इस डायरेक्शन में तो ट्रेन नहीं आ रही और इस डायरेक्शन में भी ट्रेन नहीं आ रही, बस पत्थर ही गिर रहे हैं आसमान से। ओ अरे बाप रे, जहां मर्जी देख लो ये मोटे मोटे पत्थर आसमान से गिर रहे हैं, और ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट कुड बी अ एस्ट्रॉयड, कुड बी अ कॉमेट, मुझे पता नहीं इसमें डिफरेंस क्या होता है। एनीवेज तो यार ट्रेन का यहाँ आना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। काम करते हैं माउंट चिलियाड के ऊपर चढ़ते हैं, ट्रेन को छोड़ो, ट्रेन को फिलहाल मारते हैं गोली और चलते हैं माउंट चिलियाड के ऊपर, और देखते हैं कि वहाँ से हमारी सिटी कैसे दिखती है हमें इस हमले के अंदर। मैं कोई लेट्स जस्ट टेलीपोर्ट, एक काम करते हैं फटाफट वहीं पर टेलीपोर्ट ही कर लेते हैं। क्या हम बाइक लेके जाएंगे, मुझे पता है मैं बाइक लेके जाऊंगा तो मेरी बाइक 500 बारी ठुक जाएगी। अरे बाप रे, तो बिल्कुल उसी इलाके में हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं, और पीछे यहाँ पर तो पत्थर नहीं गिर रहे यार। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्लेन ये उड़ कैसे रहा है, इसके ऊपर पत्थर क्यों नहीं गिर रहे। अब सारी भड़ास हमारे ऊपर ही निकाल रहे हैं यार ये गेम वाले बंदे, इनको भी कोई और नहीं मिलता गेम के ऊपर भड़ास निकालने के लिए। ओह यहाँ भी पत्थर गिर रहे हैं यार। ओह माय गॉड, ये मेरी सिटी को क्या हो चुका है यार, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में हमें तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, इसके बाद क्या तबाही होगी, क्या होगा कुछ पता नहीं है, और कुछ कह भी नहीं सकते। सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो क्या हम 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्या हमारी सिटी 2 दिन के अंदर तबाह होगी या नहीं होगी, ये तो आपको अगली वीडियो में देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।